वेलकम बैक टू द चैनल। सो आज हम बात करने वाले हैं मॉर्निंग स्किन केयर रूटीन की, जो मैं फॉलो करती हूँ। अगर आपको भी अच्छा लगता है तो आप भी फॉलो कर सकते हो। मैं बता दूँ आपको कि मॉर्निंग स्किन केयर रूटीन और नाइट स्किन केयर रूटीन इज़ वेरी मतलब बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है आपकी स्किन को अच्छा रखने के लिए, आपको हाइड्रेटेड रखने के लिए, आपका पीएच लेवल मेंटेन करने के लिए, या फिर जो हमारे पिंपल्स, एक्ने, पोर्स, पिगमेंटेशंस, जो भी सारे प्रॉब्लम्स होती है, अगर आप अच्छे से अपना स्किन केयर करते हो तो वो प्रॉब्लम्स नहीं आ रही की एंटी एजिंग का काम करती है स्किन केयर रूटीन। स्किन केयर के बहुत 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 ही ज़्यादा बेनिफिट्स हैं। मैं भी पहले स्किन केयर कुछ नहीं करती थी, सो अकॉर्डिंग टू पहले और अब में मेरे में बहुत ज़्यादा फ़र्क आया है। सो विथ माय एक्सपीरियंस, विथ माय बोल सकते हैं मुझे जो फ़ायदा मिला है, मैं चाहती हूँ आपको भी वो फ़ायदा हो। सच्ची में मुझे बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ है। पहले मेरी स्किन थोड़ी सी डल भी थी, मैं कलर की बात नहीं कर रही हूँ, कलर पहले से ही मेरा अच्छा था, बट स्किन डल रहती थी, उतना अच्छा ग्लो नहीं आता था मेरे चेहरे पे जितना अभी आता है मेरी स्किन केयर करने के बाद। तो मैं चाहती हूँ आप भी स्किन केयर करो और आपको 100% नहीं 1000% उसके रिज़ल्ट बेस्ट ही मिलने वाले हैं। अगर आपको बेस्ट रिज़ल्ट मिलते हैं या फिर मेरी स्किन रूटीन से कुछ भी हेल्प मिलती है तो आपको मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है। और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो देन प्लीज़ सब्सक्राइब। मैं ऐसे ही वीडियोज़ मतलब हर कैटेगरी की इन्फॉर्मेशंस की वीडियोस लगभग मैं डालती रहती हूँ। रोज़ का मेरा एक वीडियो अपलोड होता ही है, जिससे आपकी डेली लाइफ में, आपके मतलब एवरी फील्ड में कहीं ना कहीं आपकी हेल्प हो ही जाती है। सो सब्सक्राइब कर दो तो आपके मेरे न्यू वीडियोस भी मिलते, जो भी मैं पोस्ट करूँगी वो आपको उनका नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। आपके लाइक करने से मुझे पता चलता है कि मैं क्या सच में आपको हेल्प कर पा रही हूँ या फिर मेरी वीडियोस कुछ आपके लिए यूज़फुल है या नहीं। शेयर करने से आपके साथ साथ और भी दूसरे लोगों को भी हेल्प हो जाती है। जिनको किसी बारे में नॉलेज नहीं है तो उन्हें नॉलेज मिल जाती है। सो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। और कुछ क्वेश्चंस है, कुछ भी है, कुछ जानना है या फिर एनी क्वेश्चन, एनी कन्फ्यूजन, एनी आइडियाज़, कुछ भी बोलो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कर सकते हो, कमेंट कर सकते हो। मैं 100% मैं ट्राई करूँगी कि मैं उसके आंसर्स दे सकूँ या आपकी कन्फ्यूजन मिटा सकूँ या फिर आपके क्वेश्चंस का आंसर दे सकूँ, आपके डाउट्स मिटा सकूँ। सो विदाउट गेट एनी लेट, लेट्स गेट स्टार्टेड। सो फर्स्ट बोलते हैं कि स्किन केयर रूटीन में आता है फेस वॉश। सो आपको तो पता ही होगा, मैं जो भी चीज़ें यूज़ करती हूँ नेचुरल ही यूज़ करती हूँ, मैं कोई केमिकल बेस्ड प्रोडक्ट्स पर नहीं जाती हूँ। या फिर अगर मैं बाहर से कोई प्रोडक्ट परचेज भी करती हूँ तो ट्राई करती हूँ कि 90 to 95% प्योर तो कहीं मिलता ही नहीं है फॉर श्योर, तो 90 to 95% नेचुरल इंग्रेडिएंट्स और प्योर प्रोडक्ट हो, मैं ऐसा ट्राई करती हूँ मिले मुझे। सो आज के जो हमारे रहने की चीज़ें रहने वाली है, आपको भी वो सारी चीज़ें घर पे ही मिल जाएगी, सो आप ट्राई कर सकते हो। सो फर्स्ट आता है फेस वॉश, तो मैं फेस वॉश नहीं यूज़ करती हूँ, उसकी जगह मैं यूज़ करती हूँ रॉ मिल्क, मतलब कि कच्चा दूध, उससे मैं अपना फेस वॉश करती हूँ। तो ये मैंने इसमें रॉ मिल्क लिया हुआ है, ये मेरे पास कॉटन है, मैं इसे डिप कर देती हूँ और मैं अपने फेस पे अप्लाई करती हूँ। इस रॉ मिल्क को डिटेल में मैंने इसका वीडियो बनाया हुआ है, आपको कैसे यूज़ करना है टिप्स एंड ट्रिक्स के साथ, तो आप मेरा वो वीडियो भी चेकआउट कर सकते हो जब तक मैं ऐसे यूज़ करती हूँ। सो फर्स्ट स्किन केयर में फेस वॉश ही आता है और फेस वॉश बहुत ही यूज़फुल रहता है। अगर आप अपना स्किन केयर करते भी हो या कोई और अपना फेस वॉश यूज़ भी करते हो तो उसे कंटिन्यू करके ये स्किन केयर फॉलो कर सकते हो। इससे ना
रॉ मिल्क यूज़ करने से आपकी पूरी डर्ट निकल जाती है आपके फेस की। मुझे तो इसका बहुत अच्छा बेनिफिट मिला है। मैं ट्राई करती हूँ कि जिस जिस चीज़ों से मुझे फ़ायदा मिला हो वो मैं आपके साथ भी शेयर करूँ। सो ये मेरा हो गया है फेस वॉश, या बोल सकते हैं, पता नहीं मुझे आपको दिख रहा है कि नहीं, बट ये देखो, ये है डर्ट मेरे स्किन की, जबकि मैं अभी अपना फेस अच्छे से साफ करके आई थी। थोड़ा थोड़ा जो मिल्क मेरे फेस पे लगा हुआ है, मैं उसे जनरली अपनी स्किन पे एब्सॉर्ब कर दूँगी, या 2-3 मिनट का मसाज दे दूँगी। सो ये हो गया मेरा फेस वॉश। इसके बाद बात आती है टोनर की। सो मैं टोनर के लिए, आपके पास जो कोई भी टोनर हो, या फिर आप कोई टोनर यूज़ कर रहे हो तो उसे कंटिन्यू कर सकते हो। मैंने ये आपको लास्ट वीडियो में शेयर किया था, मैंने रोज़ वाटर अपना घर पे बनाया है, तो मैं एज अ टोनर अपने रोज़ वाटर को यूज़ करती हूँ। आप भी रोज़ वाटर यूज़ करिए, रोज़ वाटर हर किसी घर में होता ही है। और ये बहुत सिंपल बेसिक इंग्रेडिएंट है, कोई आपको एक्सपेंसिव टोनर वगैरह लेने की ज़रूरत नहीं है। बस आप बोल सकते हैं कि रोज़ वाटर ले लो, बहुत ही अच्छा हो जाएगा। और रोज़ वाटर बहुत सारी चीज़ों में काम आ जाता है आपके। ये बोल सकते हो कि आपको हाइड्रेटेड फील कराता है, आपके पीएच लेवल मेंटेन करता है, आपको आपके कलर को एक स्टेप आगे लेके जाता है, आपके फेस के कलर को। तो ये मैंने रोज़ वाटर लगा दिया है, मेरा कलर वाला इसलिए है, मार्केट में प्लेन मिलते हैं, बट ये मेरा होममेड है। और मैंने इसे स्टीम, जो एक एक स्टीम लेवल पे बनता है, एक मिक्सअप करके बनता है, तो मैंने मिक्सअप वाला बनाया है, स्टीम वाला नहीं बनाया है, क्योंकि उसका कलर वाइट आता है, मुझे वाइट नहीं पसंद है, मुझे पिंकिश कलर ज़्यादा पसंद है। तो मैं ऐसे टोनर, अगर आपके पास ऐसी कोई स्प्रे बॉटल है तो आप उससे इसे स्प्रे भी कर सकते हो। उससे भी, मैं तो रोज़ वाटर की बात करूँ तो मैं उसे 3 से 4 बार यूज़ कर ही लेती हूँ घर में, घर में बैठे बैठे। और अगर बाहर गई तो बाहर जाने से पहले रोज़ वाटर एक बार अच्छे से मतलब फेस को क्लीन कर दिया, आने के बाद एक बार फेस क्लीन कर दिया। और इससे मैं हमेशा फ्रीज में ही रखती हूँ, तो ये ठंडा ठंडा रहता है, तो गर्मियों के टाइम पे तो ठंडा ठंडा आपको पता ही है और भी ज़्यादा अच्छा लगता है, और बहुत ज़्यादा फील मतलब अच्छा और हाइड्रेटेड फील कराता है। और ये कभी ख़राब भी नहीं होता है, क्योंकि आप इसे नेचुरल इंग्रेडिएंट से बनाते हो, इसमें कोई प्रिजर्वेटिव्स, कुछ केमिकल्स, पैराबिन, सिलिकॉन कुछ भी नहीं रहता है, ये एकदम नेचुरल है। सो ये हमारी सेकेंड स्टेप हो गई, विच इज़ टोनर। अब बात आती है मॉइस्चराइजिंग की। सो मैंने अपने लास्ट वीडियो में मॉइस्चराइजिंग क्रीम बनाना सिखाया था विथ ओनली 2 इंग्रेडिएंट्स, तो आप भी जाओ वो वीडियो चेकआउट कर सकते हो। सो मेरे पास कोई कंटेनर नहीं था, तो इसलिए मैंने उसे ऐसी बॉटल में भर दिया है। सो मैं अभी यूज़ करने जा रही हूँ मॉइस्चराइज़र। ये मैंने ले लिया है मॉइस्चराइज़र। इसे आप एज अ बॉडी लोशन भी यूज़ कर सकते हो, तो अगर आपने मेरा वीडियो नहीं देखा है तो जल्दी से जाओ चेकआउट करो। और कभी भी कोई भी चीज़ लगाओ तो हमेशा नेक और चिन पे भी मतलब लगाना है चाहिए मॉइस्चराइज़र। लगाने के बाद तो मुझे इतना अच्छा फील होता है, क्या ही बताऊँ आपको। सो आप भी ट्राई करके देखो मेरा स्किन केयर रूटीन, आई होप आपको बहुत अच्छा लगा होगा। सो ऐसे ही वीडियोस के लिए मिलते रहेंगे। आज का मेरा स्किन केयर रूटीन यहीं ख़त्म होता है। वैसे इसमें एक और चीज़ आती है, सनस्क्रीन, बट मेरा सनस्क्रीन अभी हो चुका है ख़त्म, लेकिन मुझे आज वीडियो पोस्ट करनी थी तो मैंने सनस्क्रीन को स्किप किया है। आपको ये 3 स्टेप करने के बाद सनस्क्रीन यूज़ करना है, भले आप बाहर जाओ नहीं जाओ। और सनस्क्रीन को भी यूज़ करने के मतलब अच्छी तरह से यूज़ करने के लिए, उसका बेनिफिट पाने के लिए
उसका रूटीन रहता है या फिर बोल सकते हैं उसकी स्टेप्स रहती है, तो वो मैं ट्राई करूँगी कि मैं जल्दी उसका भी वीडियो लाऊँ कि हाउ टू यूज़ स्क्रीन परफेक्टली या बेस्टली या फिर फॉर बेस्ट रिजल्ट। सो वो भी वीडियो मैं जल्दी लाने वाली हूँ। आज का वीडियो हम यहीं ख़त्म करते हैं। मेरा स्किन केयर हो गया, आप भी अपना स्क्रीन ऐसा ही स्किन केयर ऐसे ही करो। उससे आपको क्या फ़ायदे मिलते हैं मुझे बताओ। मुझे बहुत अच्छा लगेगा कि मेरे वीडियो से आपको कुछ हेल्प मिल रही है, या फिर इनडायरेक्टली मैं आपकी हेल्प करूँगी तो भगवान मेरी हेल्प करेगा। तो आप भी ऐसे लोगों की हेल्प करते रहिए, खुशियाँ बांटते रहिए, और हमेशा अपने चेहरे पे एक अच्छी वाली स्माइल रखिए, ताकि आपको सामने वाला देख के गुस्से में भी हो ना तो एकदम से स्माइल कर जाए। सो बी हैप्पी, बी स्माइली, एंड बाय बाय फॉर द डे, एंड मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। बाय, हैव अ नाइस डे।